आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना
दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव
हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, ये अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। ये ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर और फिर इस्तेमाल करते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप बेवजह ही उनके लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया, उसने तब तब मुझको धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसीलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाके बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। रुक जाती है नजर एक हद के बाद, दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखूं। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से, अपने गुरूर और हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं
कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। वक्त से जरा पूछ कर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसीलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है ये मोहब्बत, जरा सा कोई चखले तो फिर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, ये सब हमारे अपने और सगे हैं। फर्क को जरा ठीक से समझो, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना, क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे। जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है। कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं। खुद के उसूलों पे मरना भी जायज है, किसी के साए में जिंदा रहने की मेरी कोई हसरत नहीं है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। 71% पानी है दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग डूबते प्यार में ही हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, मैं सब जानता था पर फिर भी खामोश रहा। जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी नहीं खुद खुशी कर ली। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में बहुत समानताएं हैं। एक मकान को खंडर बनाता है और एक दिल को खंडर बनाता है। जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती, वफादार हैं इसीलिए अकेले हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। क्या रिश्ता और क्या नाता, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता। जब किसी इंसान को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर वो इंसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। जब तक चुनना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए जरूरी क्या है। कितनी भयानक होती है ये मोहब्बत की सजाएं, बोझ सी लगने लगती है जिंदगी। ना जिया जाए और ना मरा जाए। नाराजगी भी मोहब्बत की तरह होती है, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है ये दुनिया आखिर क्या चीज है। सब आदतें छोड़ सकता हूं, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सिवा। टूटे हुए लोग अक्सर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की। अकेला जरूर चलता हूं लेकिन किसी के पीछे हरगिज नहीं चल सकता। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादे, अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। इस छोटे से दिल में किस किस को जगह दूं? गम रहे या दर्द रहे, पर याद रहे
या तेरी याद रहे। कौन सीख पाता है सिर्फ बातों से, सबक सिखाने के लिए एक हादसा भी जरूरी होता है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात भी नहीं होती। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई अहमियत नहीं है। जिंदगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं, सबसे ज्यादा सुखी सिर्फ वही रह सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, पर किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं। बात करने के लिए समय नहीं, मन होना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पहली नजर में तो सिर्फ मोह जन्म लेता है, प्रेम तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। नशा शराब का होता तो उतर भी जाता, ये नशा तो इश्क का है, जान लेकर ही जाएगा। काश की दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो। हैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपसे आपका हाल पूछे तो आप उसे सब कुछ सच बता सके। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है।